एशियम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के अंदर और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में शिवराज सिंह जी बुजुर्ग हैं और बहुत पैमाने पर काम कर रहे हैं। आज नौजवान काम नहीं करता उससे ज़्यादा शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं। शिवराज सिंह जी, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये का है, जो अब तक गवर्नमेंट रही हैं, सरकारें रही हैं, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए काम नहीं किए। उनके लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी राजसपा पार्टी बनाकर उत्थान के लिए, दलित पिछड़ों के लिए उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी इस राजसपा के साथ अपनी क्षमता के अनुसार, मैं देखिए 73 साल की उम्र में रन कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं समाज के लिए इस पार्टी के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ मैं करता रहा हूँ और करता रहूँगा। सर, वो आज के टाइम में जैसे आपने बताया कि नई पार्टी है और पार्टी के जो काम हैं, पहले लोग कहते हैं पहले कुछ काम दिखाओ तो सही, हम जब ही तो तुम्हें वोट देंगे। तो आप इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर क्या काम चल रहा है आपका? देखिए, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्त्रियों का जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है 3 महीने से, ये 4 लाख आंगनबाड़ी बहनें हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से सहयोग मांगा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सहयोग देने का कार्य किया और 3 महीने से हम आंगनबाड़ी बहनों के साथ संघर्षरत हैं। जब तक उनकी जायज मांगे हैं, उन जायज मांग मनवाने के लिए हम पूरा संघर्ष में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो सर, ये शिवराज जी, आप ये बताएं कि जैसे मैंने अभी कहा था कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं या जो और भी हैं, इनकी पहले भी कुछ मांग थी, तो उस मांग के लिए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने उनकी मांगे मनवा दी थी, उनके पैसे वैसे बड़े थे। तो आप इनके साथ कब तक हैं? जब तक इनकी जायज़ मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक इनके साथ संघर्षरत रहेंगे हम। अब तक इनके साथ जेल भरो आंदोलन भी हम लोग सहयोग किया है और आगे भी जब तक जायज़ मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सहयोग करते रहेंगे। आंगनवाड़ी के साथ साथ में और भी प्रदेश के अंदर इस समय एक भूचाल सा आया हुआ है, कभी टीचरों को हटा दिया जाता है, कभी जो पोस्टमैन है उनको हटा दिया जाता है, जो बैंक के अंदर जो बैंक मित्र थे उनको सबको हटा दिया जाता है। तो आज जो पार्टी, जो केंद्र में जो पार्टी है, कहते सबका साथ सबका विकास जी जी, सहयोगी जो ये सहकर्मी जो शिक्षक वाले हैं वो भी हमारी पार्टी से सहयोग मांग रहे हैं और उनका सहयोग करेंगे। 1,72,000 है जी, 1,72,000 जो सहकर्मी हैं उनका डिमांड है हमारी पार्टी राजसपा पार्टी से सहयोग के लिए, उनके भी लिए हम कार्य करेंगे जब तक उनकी ड्याज मांग पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कार्य करेंगे उनके लिए भी। आप थे शिवराज सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि और आज लोगों की भी मांग यही होती है कि भाई पहले कुछ करके तो दिखाओ जब हम वोट देंगे। पर ये हकीकत बात है, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ियों का जो एक जो संघर्ष चल रहा है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और ये वहाँ खड़े हुए मिलते हैं और प्रशासन को भी ये लगता है कि ये जो पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, ये बीच में आके खड़े होते हैं और इनकी मांग को मंगवाने के लिए वहाँ के जिला के कलेक्टर को डीएम को एडीएम को एचडीएम को झुकाने का काम करते हैं। कई बार ज्ञापन दिया है और पहले भी आंगनवाड़ी की जो वर्कर हैं, आंगनवाड़ी के जो कार्यत्री हैं, उनकी इन्होंने मांगों को पूरा करवाया है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल गाजियाबाद से।